Yeah, okay. Yeah. So we stopped in the morning. Where we stopped, I think your definition of error. ओके यू रिटन डेफिनेशन ऑफ ये लिखा था क्या मीन एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन कि लिखना बाकी था अफीक अफीफ अफीफ सैयद यस सर जोर से बोलो सर यस सो वी हैव रिटन मीन एब्सोल्यूट एरर यू हैव रिटन ऑफ सो मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर ओके यू हैव रिटन ओके आफ्टर दैट यू राइट डाउन फ्रैक्शनल एरर टाइटल लिखो फ्रैक्शनल एरर क्या लिखोगे एनीबडी कैन टेल मी द डेफिनेशन विल बी व्हाट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेल मी यस इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेल मी एनीवन अरे डेल्टा ई मीन ये क्या है ये क्या है ऊपर इट इज डिपेंड द रेशियो ऑफ जीतू ओ जीतू एब्सोल्यूट एरर नो यार रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू इट इज डिपेंड द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू लिखो It is defined as the ratio of mean absolute error to the mean value. Likha aapne? Likha aapne? Yes, sir. ओके इसके बाद परसेंटेज एरर में तो इनटू फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 जो फॉर्मूला दिख रहा है ना बस वो फॉर्मूला लिख लो सर परसेंटेज का फॉर्मूला है परसेंटेज एरर इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 इतना लिखना है आपको उसके बाद में कितना लिखा आपने लिखा आप लोगों ने लिखा क्या बोलो डियर स्टूडेंट्स हैव यू रिटन यस सर ओके इसके बाद में कैन सी प्रॉब्लम 72 क्वेश्चन नंबर 72 ऑन पेज 17 क्वेश्चन 72 ऑन पेज 17 अफीफ रीड माज सर इन ओम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस वर फाउंड टू बी 6.12 ओम 6.09 ओम 6.22 ओम 6.15 ओम कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर relative error and percentage error in these measurements. Tell me one thing, will you be able to do this? Oh, iske liye jagah chodo question 72. Question 73 will be read by Maj. 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 Yes, sir. Book Read kar question 73, beta. Sir, the radius of a sphere measured repeatedly yields value 5.63 meter, 5.54 meter, 5.44 meter, 5.40 meter, and 5.35 meter. Determine the most probable value of radius and the mean absolute relative and percentage error. Bas ye karna hai aapko do problem homework ke liye chodo jagah. Homework ke liye jagah chodo sab log. और उसके बाद में कल मैंने एक फोटो खींच के भेजा था सिग्निफिकेंट एरर वाला सभी के पास है फोटो वो यस सर ओके अब सुनो मेरी बात
वही सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है वो देखते हैं हम लोग। देखो मैं एक बार है ना मैंने अफीफ को बुलाया, मैं बोला अफीफ कम हियर एंड मेजर दिस थिंग। अफीफ आया, उसने मेजर किया, उसने बोला कि सर 1.2 मीटर। फिर मैं बोला नो दिस इज नॉट प्रॉपर। मैं मार्ज को बुलाया, मैं बोला मार्ज आके मेजर कर। मार्ज तो जरा एक्यूरेट वाला आदमी था, उसने मेजर किया और उसने बोला सर 1.26 मीटर। I was still not satisfied. मैंने प्रिशा को बुलाया, प्रिशा बहुत कम बोलती है लेकिन कम परफेक्ट करती है। उसने बहुत ध्यान से पूरा मेजर किया एकदम और मुझे बोला सर इसका वैल्यू क्या 1.268 मीटर। Tell me who is the most accurate? Who is the most accurate? Out of the three, who is the most accurate? प्रिशा शेट्टी, प्रिशा शेट्टी। तो रिमेंबर वो चार डिजिट तक गई, 1, 2, 3, 4। तो रिमेंबर नंबर ऑफ डिजिट्स अप टू व्हिच अ गिवन क्वांटिटी इज एक्यूरेट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इज दैट क्लियर? देर आर रूल्स, देर आर सर्टन रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। लेट अस अंडरस्टैंड द रूल्स वन बाय वन। आई वुड लाइक विधि, कल मैंने फोटो खींच के भेजा था नॉन फ्रैक्शंस। हाँ पहले इतना पढ़ो ना, सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट व्हाट, वो जरा पढ़ो विद दी। सिग्निफिकेंट नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिजिट्स अप टू व्हिच द गिवन क्वांटिटी इज एक्यूरेट। ग्रेटर सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन्ड व्हेन टेकिंग मेजरमेंट, मोर एक्यूरेट विल बी द मेजरमेंट। देखो यहां पे देयर आर फोर, तो ये मोर एक्यूरेट, दिस इज लेस एक्यूरेट, अफीफ वाज लेस एक्यूरेट, बट यू आर द मोस्ट एक्यूरेट फ्रॉम आवर क्लास। कौन था मोस्ट एक्यूरेट, कौन थी? अरे बोलो आवाज। यस ओके, आगे पढ़ो सर। एग्जांपल अ फर्स्ट एग्जांपल 2.21 इज एक्यूरेट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड 1.213 इज एक्यूरेट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स विद एग्जांपल significant figures for fraction and non-fraction are as follows. Rule देखो अभी है ना, मैं अभी मैं पढ़ता हूँ। देखो rule number one, कोई बोलेगा 25, तो ना ये बहुत इजी है। कभी कभी इसके ऊपर अगर CET आ गया तो एकदम फट करके आंसर मिलेगा। देखो कोई बोलेगा 25 and let us say 1.5396, तो एक दो significant figure is 2 और एक सा 1, 2, 3, 4, 5 significant figure is 5. What is the reason? Reason पढ़ो, reason पढ़ो विधि, विधि। Yes sir. Statement of rules है ना, वो पढ़ो। All non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. जो दिख रहा है उसको count करो। सीधा that is the answer. Okay. और rule to get 2020. देखो बहुत interesting है ये 2020. और ये है 1200, ओके? इसका 3, इसका 5, लेकिन 2020 मीटर एंड 12000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका 4 और इसका 5। आप बोलेंगे सर चाहे ऐसा क्यों सर, वही फिगर है, वही चीज है, सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर क्यों बदल रहा है? पहले तो कोई मुझे बताएगा और इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें इसमें और इसमें इसमें क्या डिफरेंस है? एनीवन कैन सी फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड? सो देयर आर नो यूनिट्स इन द फर्स्ट सेट, व्हाइल यू हैव यूनिट्स इन द सेकंड। दीस आर जस्ट नंबर्स, राइट? दिस इज सम क्वांटिटी व्हिच हैज बीन कमिंग आफ्टर मेजरमेंट। ये जो दो है ना, वो मेजरमेंट की क्वांटिटी है और ये जो जस्ट नंबर है। तो जब नंबर होता है ना, तो पीछे के जितने जीरो रहते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। सॉरी 1200 का मिस्टेक किया मैंने, measurement. इसमें लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? लास्ट नॉन जीरो डिजिट
2020 में लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? सर टू टू, उसके बाद का जीरो नहीं लेने का अगर मेजरमेंट नहीं है तो। इसमें लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? सर टू टू, उसके बाद के तीन जीरो नहीं लेते, तो इसमें दो और इसमें तीन, और मेजरमेंट से आ रहा है तो सब कुछ लेना है। ओके, रूल फोर पे जाने के पहले 5.40 और 5.400, इसमें थ्री और इसका फोर। अच्छा पढ़ो इसका रीजन क्या, पढ़ो बेटा विधि। All the zero to the right of decimal are significant if they are followed by a non-zero digit. बराबर है? ये non-zero digit है 5.4. This 4 is non-zero digit. उसके बाद के zero सब count करने पड़ेंगे. ये non-zero digit के बाद में आ रहा है, इसलिए सारे zeros count करने पड़ेंगे. That is the meaning. All right? उसके बाद rule 5, 1.03. And this is 108.005. इधर है ना 1, 2, 3 और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6. रीजन क्या पढ़ो? रीजन क्या पढ़ो? अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। टेल मी इसमें विच आर द टू नॉन जीरो डिजिट्स 1 और 3, उसके बीच का जीरो काउंट करना पड़ेगा। नॉन जीरो डिजिट 1 और 5, उसके बीच के जितने जीरो सब काउंट करने पड़ेंगे। तो दैट इज व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो नॉन फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लेस देन सर, ये तो सर केमिस्ट्री में सिखाया था संदीप सर ने। क्या क्या सर ने ये सिखाया था हम लोग को? सिखा दिया ये तुम लोग को? हां सर। तो जाने दो, मेरे को बोलो ना यार। तो ये है ना तुम लोग के पास? नो नीड, ये सिखाया था सर। चलो ठीक है सर, कुड यू रिवाइज इट सर, बिकॉज़ ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाजंट हैविंग प्रॉपर वाईफाई। अरे चलो ठीक है, चलो फ्रैक्शन सर। इसका एक और रूल ये भी है ना सर, 0.5 से लेके 5 के बीच में आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, वो सिखाने वाला हूँ। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अलग है, 0.5 से लेके 5 के बीच वाला, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर बोला? नहीं सर, उसमें कुछ सिखाया था ना। हाँ तो वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है बेटा, नॉन फ्रैक्शन। देखो 0.05 और ये है 0.00967। मैं वही नंबर ले रहा हूँ जिससे तुमको समझ में आएगा। तो इसमें क्या मालूम है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। ऑलराइट, इसका रीजन पढ़ो विधि। ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट। All zeros to the right of decimal points, right of your fractions के लिए, right and to the left of non-zero digit। देखो right of decimal के पास एक zero है और left के बीच में है वो, इसलिए इस zero को लेने का नहीं। To the right of decimal दो zero है और left के नहीं, ये दोनों zero को लेने का नहीं। तो इधर है significant figure 3, इधर significant figure 1। अब ये बताओ इसका क्या होगा, जरा मैं ठीक चेक करता हूँ, इसका कितना significant figure होगा? One. इसका कितने लिखो सिग्निफिकेंट फिगर? One. That is the answer. और इसका क्या लिखो? इसका three. That is right. Whose voice was that? Conan. Conan, lovely Conan. Wow, क्या आंसर है, जाग गए हो तुम। Okay. उसके बाद very good Conan. सर मैं जागी भी रहती हूँ। आज सुबह गायब थी, आई डिडंट लाइक दैट। हम लोग कॉनन पूरी क्लास चिल्ला रही थी कॉनन, लेकिन कॉनन सो गई थी। सब लोगों ने बोला मेरे को क्लास में, बाकी बच्चों ने कि सर सो गई है, वो जाने तो मत बुला उसको। ओके देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर एक है, ये एक्चुअली ऊपर ले लिया मैंने, ये 4 और ये 3, ये एक्चुअली ऊपर वाला मैंने यहाँ पे, ये सब यहाँ पे गया, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अरे जरा पढ़ो सर, ये लास्ट वाला 2 होगा ना? हाँ लास्ट वाला 2 होगा। ओहो लवली, क्या बात क्या बात, वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह जाग गई हो अब तुम। आई लाइक दैट, थैंक यू सर कॉनन, आई रियली लाइक द आंसर। चलो इसके बाद पढ़ो
height of the last non-zero digit after decimal are significant? देखो last non-zero digit के बाद के zero हैं वो लेने पड़ेंगे आपको. इसके बाद के zero आपको लेने पड़ेंगे. So these are the rules. All right. तो इसके ऊपर है ना मैं चाहूंगा आप लोग है ना पेज नंबर 20 पे आओ. पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन 82. कोनेन आई रियली लाइक योर आंसर. थैंक यू सर. अच्छा क्वेश्चन 82 पढ़ो कोनेन. कोनेन कुरेशी क्वेश्चन 82 Find the number of significant figures in the following number. First one 25.42. अब मुझे बताओ आंसर भी बताओ 25.42 क्या होगा. आलोक गुप्ता को आलोक गुप्ता क्या हो रहा है आवाज नहीं आ रही क्या. You have written something. I could not see and it just went out. Alok Gupta. ये तो है ही नहीं. उसने कुछ मैसेज लिखा. हाँ चलो पढ़ो. हेलो कैन यू प्लीज सेंड मी लेक्चर. हाँ ओके ओके आई विल सेंड. हाँ हाँ बोलो बेटा कौन पढ़ रहा था. मैं पढ़ सेकेंड वन 0.004567. ये देखो 0.004567 इस रूल के हिसाब से वो रूल नंबर उसके बदलेंगे अपने. इधर कितना आएगा सिग्निफिकेंट फिगर 0.004567 होगा तो 4 उसके बाद 35.320. हाँ उसका तो सीधा 5 और उसके बाद 91.000. ये देखो ये इसके हिसाब से दिस विल बी 5. All right. तो अभी है ना हम लोग करेंगे ये उसका क्वेश्चन 83 नीचे वाला होमवर्क लेना. क्वेश्चन 83 यू विल डू एज होमवर्क एंड यू विल राइट 82 एज वेल एज 83. यू विल राइट 82 एज वेल एज 83. इसके बाद टाइटल लिखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. टाइटल लिखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ओके अब मेरी बात सुनते जाओ. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आखिर क्या होता है. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आखिर क्या होता है. लेट अस अंडरस्टैंड. यू नो वेरी लार्ज डिस्टेंस. लेट अस से एक लार्ज डिस्टेंस का एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. सन एंड अर्थ एंड मून एंड अर्थ ऐसा बहुत बड़ा डिस्टेंस है 1600000000000 मीटर. तो ये ना इतना गंदा लगता है क्या तरीके से कोई एक जीरो ज्यादा लिख देगा कोई एक जीरो कम लिख देगा एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम राइटिंग बिग क्वांटिटी. वेरी बड़ी क्वांटिटी होगी तो उसको लिखने में जीरोस की मिस्टेक हो सकती है इसलिए. और सपोज बहुत छोटी क्वांटिटी डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स छोटा सा डिस्टेंस है लेट्स से दैट डिस्टेंस इज 0.0000000 ऐसा आया सपोज 9 8. तो अपने को लगते सर क्या इतने सारे जीरोस ये कभी देखा है आपने इतना बड़ा ऐसा लिखते हुए इतने जीरोस के साथ में. नहीं लिखते इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन लिखते क्या लिखते हैं मालूम है 1.6 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 * 10 इधर लिखते हैं 9.8 *
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस टेन रिस टू माइनस टेन ऐसा लिखते हैं हम लोग. वी देन नेवर राइट सो मेनी जीरोस. तो इसको ऐसे नोटेशन को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन. इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन. अब इसका है ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करने का, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना. वेरी लार्ज क्वांटिटी और वेरी स्मॉल क्वांटिटी. Alright, is written as what you know? A multiplied by 10 raised to n, where A is what you know? Is 0.5 less than or equal to A less than 5. I mean, A ki value and n is called. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. आप बोलेंगे सर ये हमको समझ में नहीं आया. मैं पहले तो 0.5 और इसका ये देता हूं आपको एग्जांपल. अब ये जीरो है, ये सपोज वन है, ये टू है, ये थ्री फोर, ये लेट्स से ये फाइव, ये सब आ गए समझो वन टू थ्री फोर. और ये जो है ना दिस इज ये बोलो जीरो और वन के बीच में क्या होगा? What will be number exactly in the center of 0 and 1? 0.5. Very good, Conan Qureshi. Kya baat hai? Ye wala number include karne ka. 0.5 ka to le sakte ho, lekin 5 nahi le sakte ho. 0.5, A 0.5 ho sakta hai, lekin A 5 nahi hoga. Iske beech mein number hoga, to hi that will be considered as A. Then only that will be considered as A. रूल इज दिस. अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज 112 की जी, 112 की जी, जैसे 112 नंबर इज बिटवीन 0.5 एंड 5. 112 इज बिटवीन 0.5 एंड 5 ना. बोलो सर मेरी वॉइस आ रही है क्या? हेलो सर. क्या 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 सर मेरी वॉइस आ रही है? हेलो सर. हाँ आ रही है. क्या हुआ सर? वो सुबह एको कर रहा था ना इसके लिए सर मैं. हाँ सुबह एको हो रहा था. सुबह एको हो रहा था. यस मुझे बताओ 112 केजी कैसे नंबर 112 इज बिटवीन 0.5 एंड 5? यस नो नो इट इज नॉट. टेल मी कैन आई राइट दिस 112 इज 11.2 इनटू 10 10 इज टू 1. ये राइट है कि रॉन्ग है? खाली इतना बताओ पहले. 11.2 into 10 is 112. It's right or wrong? अरे मैथ से सिंपल मैथ. 11 धाम में 110. 11.2 into 10 is 112. Right है कि wrong है? भार्गेश. Right है. Right है. तो मुझे बताओ क्या 11.2 is between 0.5 and 5? No sir. No sir. So tell me, can I write this is 1.12? Into 10 is to 2. Isko, can I write like this? Can I write yes, isko? Okay. Yeah, 1.12 is between 0.5 and 5. Yes, sir. Therefore, what is the order of magnitude? Kya hoga iska? Remember, n is called. This n is called as order of magnitude. So, yahan pe n kitna hai? N finite is 1.12. N कितना होगा? 1.12. Very bad answer. 10 is to n, then if a into 10 is to n, अगर a इनके बीच में तो n is called order of magnitude. तो कितने हैं? 1.12 है या 112 है? Sir, 2. Sir, 2. तो फिर क्या तुम लोग बोलो ना सर. आप हमको गुमराह कर रहे हो सर. It is 2. आप बोलते हैं. सर मेरे को नहीं समझा. क्या नहीं समझा? कैसे आया 2? 10 is to n में n जो होता है ना that is order of magnitude. तो 10 is to 2 है तो इसमें n के बदले क्या है? 2 is the order of magnitude. कौन है? समझ गई ना? Okay. 8848 meter. बोलो कैसे लिखो इसको? 8.848. Yeah, very good.
8.848 into 10 raised to kitna likhu 3 10 to 3 and therefore order of magnitude kitna hoga 3 and let me be wrong anybody can tell me why it is wrong so 8.848 इन दोनों के बीच में ना ही है ये अच्छा हां हां चला गया ना एट इसके आगे चला गया इसको 0.8848 बनाना होगा इसको लिखना होगा 0.8848 into 10 is to 4 and therefore order of magnitude will be 4 you have to be very careful this number has to be between this and this ओके चलो मैं लिखता हूं 5 किलो इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड क्या लिखूं 5 तो अलाउड ही नहीं माय गॉड व्हाट टू डू 5 नंबर को नहीं लिख सकते 0.5 होता तो चलता था एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट शुड आई डू नाउ आई एम इन ट्रबल 5 तो ले नहीं सकता और मुझे इस फॉर्म में रखना कंपलसरी है a into 10 to n के फॉर्म में 10 to कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा और इसका आंसर आना चाहिए 5 इधर कुछ होना चाहिए इधर कुछ होना चाहिए आंसर 5 होना चाहिए सर केजी को ग्राम में कर सकते हैं ना ना नो नो दैट्स अ गुड आईडिया बट दैट इज नॉट अलाउड इसी नंबर को रखना है एसआईसी यूनिट है इसमें एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी एनीवन ब्रिलियंट 0.5 My God, beautiful answer. 0.5 into 10 is to 1. क्योंकि 0.5 में 10 से मल्टीप्लाई करते तो 5 आता है. तो order of magnitude will be 1. अच्छा 0.5 होता खुद ही होता तो क्या होता? 0.5 second. Suppose half second. तो यहाँ पे मैं क्या लिखता? 0.05. अरे नहीं 0.05 तो इसके left में गया allowed ही नहीं है. A has to be either 0.5 ले सकते हैं up to 5 but 5 नहीं ले सकते anybody क्यों हाँ क्या so it will be 10 raised to 0 which is 1 that's it but only one student is answering और तुम अपने marks भी लाओ ना ऐसा है तुम जैसा बोलते हो वैसे marks भी लाके दिखाओ order of magnitude will be 0 okay इसके बाद में suppose अगर मैं कहूँ 0.005 मीटर अरे ये कौन बनाएगा तो क्या करूंगा जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस टू माई गॉड हु इज दिस कौन था ये कॉनन आई रियली इम्प्रेस्ड बाय यू आई कुड नॉट बिलीव दैट यू हैव गिवन मी दिस आंसर Oh, super. Conan, you are super. Thank you, sir. What better answer is? 0.9 kg. What do I write? What is the thing, Conan? तुम तो एकदम ज्यादा ही इंप्रेस कर रही हो अब तो ओके ये तो बहुत अच्छा आंसर आ गया ओके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो इसका क्या लिखो सर सेम आएगा क्या बात है मेरे ख्याल से इतना बो अच्छा हाँ एक चीज 6400 किलोमीटर होता समझो तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है anybody knows how to convert किलोमीटर टू मीटर डिवाइड बाय 100 वेरी बैड आंसर वेरी बैड एक किलोमीटर एक किलोग्राम में कितने ग्राम सॉरी इनटू 10 रेज टू 3 हाँ तो एक 1 kg हमेशा 1000 होता है किलोग्राम मीटर यानी 6400 into 10 raised to 3 meter. अब मुझे बताओ इधर क्या करूं ये बताओ मुझे इसको लिखना है मुझे इस क्वांटिटी को यहाँ पे लिखना है
Is this right? So 10 days to 5 आएगा ना? 5 लिखो या 6 लिखो या 7 लिखो या 8 लिखो या 10 क्या लिखो? 5 So 7 आएगा बेटा ये 4 देना ना 1 2 3 4 4 और 3 7 But Kunal you have given good answers you have given good answers बहुत अच्छे answers हैं आपके तो ये आपको मैं टेबल पहले डिक्टेट करा देता हूँ थोड़ा फिर आप लोग लिख देना चलो मैं लिखाता हूँ ऐसा लिखो टाइटल लिखा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा बेटा लिखा क्या यस सर ये लिखो We can handle very large and very small numbers. We can handle very large and very small number conveniently by using power of 10. Power of 10. This notation is called Sir, can you repeat? We can handle very large and very small numbers conveniently and easily by using powers of 10. Likha sabhi ne? By using powers of 10. Full stop. Likha sabhi ne? Yes, no. Konen, aapne likha? Konen? Yes, sir. Jara dikhao ek bar dikhao. कहाँ है हाँ यस यस दैट्स लाइक अ गुड गर्ल ओके इसके बाद में लिखो दिस नोटेशन इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन एग्जाम्पल अरे यार मैंने मिटा दिया ओके एग्जाम्पल यू कैन राइट Right. 384 000000 is nothing but 3.84 into 10 raised to Sir can't see. नहीं दिख रहा है हाँ नहीं दिख रहा है बराबर यू आर राइट मैं थोड़ा इसको ऐसा करूँ तो एक मिनट ना बेटा यस यू आर राइट एक्चुअली 384 0000 0000 equal to 3.84 into 10 raised to 8. Suppose meter, the AV meter. Or similarly, 0.0032 is 3.2 into 10 raised to minus 4. सर टेबल कॉपी मार लेने का नहीं नहीं कॉपी नहीं मैं बोलूंगा उसके बाद मारना ऐसे लिखना द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड यस टेल मी मैंने बताया कई बार
वर्ड मैग्नीट्यूड रहता है, हमको डर लगता है क्या है ये। सिंपल मीनिंग क्या मैग्नीट्यूड का? वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ऐसे लिखो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये लिखना, ए इंटू टेन रेज़ टू एन, कैपिटल ए इंटू टेन रेज़ टू एन, कैपिटल ए इंटू टेन रेज़ टू एन, वेयर ए इज अ नंबर सच दैट, ये लिखना, A is the number such that then n is called kya likho, n is called kya likhenge, order of magnitude, that's right। और ये डायग्राम बना दो ना नीचे, और एक यहाँ पे टिक मार्क और यहाँ पे क्रॉस, पांच के पास क्रॉस, पांच नॉट अलाउड, पॉइंट पांच अलाउड, उसके बीच के सब नंबर अलाउड। सर मेरे को ये लास्ट वाला नहीं समझ रहा है। क्या चीज बेटा? ये 6400 किलोमीटर है ना? हाँ, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। कैसे किया? वो 10^7 नहीं समझा मेरे को। हाँ बताता हूँ, ये ना 6.4 × 10^6 होता, लेकिन हमको इसको 0.64 लाना है, इसके अंदर लाना है, इसके और इसके बीच पे, तो 6.4 तो हो नहीं सकता, 6.4 से छोटे, क्योंकि 6.4 5 से ज्यादा गया, तो हमने 0.64 किया, एक 10 बढ़ा दिया वहां पे, तो इसलिए 0.64 × 10^7 करना पड़ा, तो 0.64 6400 को भी काउंट करना है 10^3 के साथ। हाँ, क्योंकि किलोमीटर था ना वो, किलोमीटर इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, इसको हटा दिया मैंने, अब इसको देखो खाली, इसको फिर मैंने ऐसे लिखा, तो मतलब जिसको कन्वर्ट करेंगे उसके साथ वो सारे नंबर्स को काउंट, उसके साथ यस यस यू आर राइट, इट शुड बी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, तो यहाँ पे जिसमें दिया है उसको कन्वर्ट करो पहले एसआई यूनिट में। सर टेबल छापने का? हाँ अभी टेबल छाप एग्जाम्पल लिखो और ये टेबल छाप लो पूरा। व्हाट इज दिस लैंग्वेज? अच्छा अब ये बताओ, एक और लास्ट वैल्यू डाल देता हूँ मैं, दिख भी रहा है अपने अंदर, वन मिनट को क्या लिखूं? मिनट इज नॉट